तनवीर जी, कल देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर आ रहे हैं, उससे पहले आपका ये धरना, क्या कुछ मांगे और किन वजहों से ये धरना किया गया? ऐसा है, दिन पर दिन समस्याएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया है प्रदेश की जनता को। आज जनपद शाहजहांपुर में हम समाजवादी लोग धरना प्रदर्शन शहीदों की प्रतिमाओं के पास, यहां नगर निगम के पास हम लोग बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग, सभी लोग धरना प्रदर्शन जन समस्याओं को लेकर कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा शाहजहांपुर लगा है और चुनाव के मद्देनज़र इस समय जो है झूठी घोषणाएँ की जाएंगी, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई बुनियादी काम नहीं किया, खासतौर से किसानों को बर्बाद करने का काम, उनको बर्बादी कगार पर और उनको भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी मांग है, प्रमुख मांग है, एक तो शाहजहांपुर के अंदर जो प्रकोप दिन पर दिन डेंगू बुखार से लोगों की जाने जा रही हैं, वायरल बुखार से जाने जा रही हैं, एक तो ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिल पा रहा है हमारे मरीजों को, डोनर नहीं होते हैं 5,000-6,000 रुपये में, जैसा कि पता लगा है उनको ब्लड दिया जा रहा है, गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे पाएगा, तो उसकी जान चली जाती है। और यहाँ पर शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हमारे शाहजहांपुर के जो मरीज़ हैं उनको ब्लड जान बचाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। शर्म का इसी कोरोना काल में ही ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से यहाँ पर तमाम मरीजों की जाने चली गई, बेड नहीं मिल पाए, और हमारे किसान भाइयों का धान जो 1960 रुपए में घोषणा की थी सरकार ने, वो झूठी घोषणा की है। आज 1,100 रुपए में सिर्फ धान खरीदा जा रहा है, क्रय केंद्रों पर धान नहीं खरीदा जा रहा है, बिचौलों के माध्यम से खरीदा जा रहा है, बिचौलियों के माध्यम से हमारे किसान भाई परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। असमय बारिश की वजह से जो बर्बाद हुई फसल है किसान भाइयों की, चाहे आलू की फसल हो, धान की फसल हो, और जो भी फसलें हैं, सरसों की फसल हो, वो सारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई, किसान बर्बाद हो चुका है, आत्महत्या को मजबूर हो चुका है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी मुआवजे की घोषणा नहीं की है, झूठ पर झूठ सरकार बोलती चली जा रही है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। तो यहाँ शाहजहांपुर आने से पहले मुख्यमंत्री जी पहले किसान भाइयों को मुआवजा दें और धान उनका जो रेट सरकार ने घोषणा की है उसी रेट पर खरीदें, और नगर में सफाई व्यवस्था और कीटनाशक दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जाए, और साथ साथ ढाई घाट का मेला प्रशासन ने जो खत्म कर दिया है उसको चालू किया जाए। हम सबकी प्रमुख मांगे यही हैं, नहीं तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग विरोध।